दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां के लोग 4 नंबर से बहुत ज्यादा डरते हैं, बल्कि इतना डरते हैं कि ये नंबर उनके घर के किसी लिफ्ट या बैच में नहीं होता। और इस खतरनाक दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर लड़कियां नहीं बल्कि लड़के मेकअप करते हैं ताकि वे लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत दिख सकें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम साउथ कोरिया के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो सचमुच में ही बिल्कुल अजीब हैं। दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया जापान और चीन सागर के मध्य में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी सियोल है, जो बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत जगह है जहां आपको बार बार आने का मन करेगा। वैसे तो साउथ कोरिया प्राकृतिक सौंदर्य और घूमने के लिए एक जबरदस्त जगह है जहां पर भारत का 1 रुपया 17 साउथ कोरियाई वोन के बराबर होता है। लेकिन साउथ कोरिया घूमने से पहले यहां की कुछ अजीबोगरीब बातों को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में एज यानी कि उम्र को लेकर एक अलग तरीके की व्याख्या रही है, क्योंकि यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 3 महीने बाद ही उसे 1 साल का मान लिया जाता है, और जब बच्चा 1 साल 3 महीने का होता है तो वो बच्चा 2 साल का माना जाता है। घुमा फिरा कर बात करें तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से उसकी एज की गणना शुरू हो जाती है ना अजीब प्रकार की गणना। 2017 में साउथ कोरिया एकमात्र ऐसा देश था जो दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट चलाने का रिकॉर्ड कायम कर चुका है, मतलब कि 27 Mbps/s। लेकिन अब तो ये रिकॉर्ड हमारे जियो जैसे कई नेटवर्क तोड़ते जा रहे हैं। जापान की तरह ही साउथ कोरिया में भी काम को लेकर बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती है, जिस वजह से बहुत से कोरियाई डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा जापान और चीन के बाद आत्महत्याएं दक्षिण कोरिया में ही होती हैं। इसमें यहाँ की लड़कियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्या समझे? दक्षिण कोरिया कानूनी रूप से बहुत अलग देश है, जहाँ पर जब कोई अपराधी कोई जुर्म करता है तो उसे सजा देने के लिए उसी अपराधी को पूरी मीडिया के सामने फिर से वही जुर्म कराया जाता है, एक कथित घटना की तरह, लेकिन इसमें पीड़ित नकली होता है। दक्षिण कोरिया में नंबर 4 को बहुत बुरा अंक माना जाता है और इस नंबर से यहाँ के सभी लोग डरते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम रुक जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर नंबर 4 कहीं पर दिखाई दिया तो ये भी रास्ता बदल लेते हैं। इस देश में नंबर 4 की जगह इंग्लिश का एफ वर्ड यूज होता है। अब आप सोच सकते हैं इन लोगों के अंदर कितना अंधविश्वास भरा है। अगर प्रति व्यक्ति आय से जोड़ा जाए तो इस देश में सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी दक्षिण कोरिया के लोग ही करवाते हैं, क्योंकि कोरियाई लोग अपनी खूबसूरती और पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इस दुनिया में जहां लड़कियों को मेकअप के लिए खर्चीला माना जाता है, वहीं दक्षिण कोरिया में लड़के महंगे महंगे मेकअप किट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में पैसा बर्बाद करते जाते हैं। अगर आप साउथ कोरिया आना चाहते हैं तो मात्र 42,000 रुपए में वीजा सहित आने जाने का खर्चा पड़ जाएगा। साउथ कोरिया के लिए दिल्ली से सियोल की फ्लाइट आराम से मिल जाएगी। दक्षिण कोरिया में ज्यादातर लोग शीतकाल में आते हैं, क्योंकि इस मौसम में बर्फीली हवाओं का एहसास गजब का होता है और साथ में बर्फ के साथ खेलने का भी लुफ्त दिल खोल के उठाया जा सकता है। दक्षिण कोरिया का भोजन सचमुच आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।